Callertune. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके साथ कुछ सीरियस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, और वो सीरियस टॉपिक आपको शायद पता है, वो क्या है, कोरोना वायरस नहीं, उसकी कॉलरट्यून। तो आज मैं आपको बताऊंगा उस कॉलरट्यून से कैसे बचें, उसको कैसे हटाएं, कैसे स्टॉप करें। तो उससे पहले मैं आपको सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आज हमारी RJT ब्लॉग्स की फैमिली 100 मेंबर्स की हो चुकी है, और मतलब 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। तो आपके लिए शायद इतनी बड़ी बात ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो अब हम बात करते हैं कि कोरोना वायरस वाली कॉलरट्यून है क्या। जो कॉलरट्यून है, मतलब शुरू होते ही बंदा खांसी करता है, उसके बाद बताते हैं प्रिकॉशंस वगैरह के बारे में। तो चलो वो तो हो गया, एक बार सुन ली, उसके बाद लोग पकने लग जाते हैं। और उसके बाद मेन दिक्कत उसकी है, कभी सीरियस टाइम मतलब एमरजेंसी अगर हमने कॉल करनी हो किसी को, तो उस टाइम पे वो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि एमरजेंसी कॉल के टाइम 30 से 40 सेकंड आपके पहले वो ले जाती है। तो अगर इतने में हो सकता है जान वगैरह कुछ हो सकता है, तो इसलिए इसको अवॉइड करने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। तो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ एक दबाना, कुछ नहीं। जैसे आपकी कॉलरट्यून शुरू होगी, कीपैड खोलो, एक दबाओ, अपने आप कॉलरट्यून खत्म हो जाएगी। मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, देखो। तो जैसे कि आपने देखा, ऐसे हट गया, लेकिन कई फोनों में ऐसे नहीं होता, उनमें वन दबाने के बाद भी कॉलरट्यून कंटिन्यू रहती है। तो उसका क्या मतलब सॉल्यूशन है, तो उसका ये सॉल्यूशन है कि जैसे मेरे फोन में भी ऐसे नहीं होता, तो फिर मैं क्या करता हूँ, वन दबाया, कॉल कट करी, दोबारा लगा ली कॉल। जब दोबारा आप कॉल लगाओगे तो डायरेक्ट लग जाएगी, सीधा रिंग जाएगी, कोई कॉलरट्यून नहीं आएगी। तो उसके बाद मैं आपको सिंपल ये बात करनी है आपसे, आपको पता है कि कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इंडिया में भी आ चुका है। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखो, प्रिकॉशन लो, हाथ बार बार धो, और यार कुछ दिन की बात है, पब्लिक प्लेसेस पे जाना अवॉइड करो, क्योंकि ऐसे फैल सकता है किसी से भी। तो ना जाओ यार, 15 दिन की तो बात है, 15-20 दिन ना जाओ, क्या जा रहा है, हम भी तो अवॉइड कर ही रहे हैं कॉलेज अपने। तो मैं ज़्यादा मतलब आपकी कॉलरट्यून नहीं बनना चाहता। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, लेकिन एक बात उससे पहले ज़रूर कहूँगा कि जैसे लोग कहते हैं कि मजाक नहीं बनाना चाहिए, कोरोना वायरस है, बहुत सीरियस इशू है, मजाक नहीं बनाना चाहिए, यार बनाना तो नहीं चाहिए। सबसे पहले प्रिकॉशन लो, उसके बाद यार जो मर्जी करो, अगर आप प्रिकॉशन ले रहे हो तो ठीक है, मजाक बना रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आप खुश रहो, बस खुश रहना इज़ इम्पोर्टेंट यार, पता नहीं किसने कितना जीना। चलो वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, भाई आपके लाइक की कीमत बहुत है मेरे लिए। चलो